बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज ऑन द वे हम वीडियो बना रहे हैं और दिस वीडियो इज पावर्ड बाय न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, हमने सोचा यहीं पे शूट कर लेते हैं। अच्छा जी, आज की जो बाइक है जो आप देखेंगे, ना सिर्फ इसी बाइक की ये वीडियो है बल्कि आपके 70cc से लेकर जो भी आपके पास मोटरसाइकिल है, तमाम ही मोटरसाइकिल से मुतालिक ये वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी के तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, फाइंड देम, सब्सक्राइब टू देम एज वेल। बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन द गो आपको मिलती रहें। अच्छा जी, आपने हाई स्पीड के फ्रीडम के बारे में तो सुना ही होगा, 200cc क्या फैंटास्टिक मोटरसाइकिल है। आज एक डबल खुशखबरी ये है कि ना सिर्फ ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है जो कि ऑलमोस्ट नापैद हुआ है, मोटरसाइकिल मार्केट से कहीं से खुलेआम मिलता नहीं है, लेकिन न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी पे अवेलेबल है। ना सिर्फ अवेलेबल है बल्कि इसकी ओवरऑल लुक ही चेंज कर दी है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाहे 70cc है, 125 है, 150 है, 200 है या वट एवर आपके पास मोटरसाइकिल है, तमाम की हालत बदल सकती है और इसी मोटरसाइकिल जैसी बदल सकती है। तो वो हालत बदलने के लिए पहले इसकी लुक आप चेक कर लें। ऑलरेडी बहुत ऑसम मोटरसाइकिल है, खूबसूरत मोटरसाइकिल है, लेकिन लुक चेंज होने के बाद कुछ और ही चीज़ लग रहा है। दूसरी बात यह कि आप अपने ऑर्डिनरी मोटरसाइकिल को स्पेशल बना सकते हैं थोड़ा सा खर्चा करके। तो कैसे, चलिए बढ़ते हैं फैसल भाई की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल के साथ क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूं एक ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। जैसा कि हम आपके लिए ज़बरदस्त नए लेटेस्ट रिव्यूज़ लेके आते हैं और अभी मैंने रिसेंटली तकरीबन हर वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं कि हमारे पास जो है तमाम जो है आपको मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी है वो सर्विस आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है और हमारे पास न्यू पार्क ट्रेडिंग की कम्प्लीट वर्कशॉप मौजूद है जिसके अंदर आपको तमाम फैसिलिटी अंडर वन रूफ मिलती है, जिसके अंदर आपको कस्टमाइज रैप की मॉडिफिकेशन की, इसके अलावा कस्टमाइज जो है इसका एग्जॉस्ट की और इसके साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क तमाम जो आपको अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई बाइक है जिसको आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं, उसका कस्टमाइज रैप करना चाहते हैं, तो उस वाले से आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जी और ये बाइक है हाई स्पीड का फ्रीडम 200cc। इसकी मेन मेन जो स्पेक्स है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बाइक जो है वो क्रूजर शेप कैटेगरी में बनाया है, बेसिकली जो मॉडल है जंक्शन का है और इसका जो फ्रंट के ऊपर रिम साइज है वो 18 इंच का और रियर के ऊपर 15 इंच का रिम साइज हमें मिल जाता है। टायर फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट के ऊपर 90/90/18 का फ्रंट के ऊपर ट्यूबलेस टायर है और रियर के ऊपर हमें 130/90/15 का टायर इसके ऊपर रियर के ऊपर मिल जाता है। और ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है, ड्यूल पिस्टन कैलिबर, और इसकी जो रियर ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक की ऑप्शन इसके प्रोवाइड की गई है। बात करें इसके इंजन की तो 200cc कैटेगरी में इसके इंजन है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें 198 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है और हॉर्स पावर की बात करें तकरीबन ये 11 हॉर्स पावर भी प्रोड्यूस करता है। और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो 5 फॉरवर्ड गियर ट्रांसमिशन आती है, गियर इंडिकेशन यहाँ पे नीचे मौजूद है और जहाँ पे आप कैसे गियर शिफ्टिंग करते हैं तो आपको गियर इंडिकेशन यहाँ पे मीटर डिस्प्ले के ऊपर मिल जाती है। और टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं फ्रंट के ऊपर इसके और रियर जो इसके काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल शॉक्स लगे हुए हैं। और आज बेसिकली बाइक का रिव्यू करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर हमने टोटल जो है इसके ऊपर कस्टमाइज रैप किया गया। इसका जो ओरिजिनल कलर स्कीम है वो रेड कलर की है, अभी इसको जो है इसको प्रोटेक्शन दी गई है, इसके ऊपर मैट कलर फिनिशिंग की गई है, उसके ऊपर जो है स्टिकरिंग भी की गई है। अगर आपके पास भी कोई बाइक है 150cc कैटेगरी में, 250 में या कोई भी बाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी में, चाइनीज है चाहे ब्रांडेड है, कोई भी बाइक आपको उसको सेव करना चाहते हैं, हम कीमती से कीमती मोबाइल लेते हैं उसके ऊपर भी हम जो है अच्छे से कवर्स लगाते हैं, ग्लास प्रोटेक्टर लगाते हैं ताकि वो इन केस गिरता है तो उसको प्रोटेक्शन हो जाए और उसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। तो इसी तरह व्हाई नॉट आपकी जो बाइक है इतनी कीमती होती है उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन कवर क्यों नहीं लगाते। तो ये लगाने का मकसद ये है कि इससे आपकी जो पेंट की जो असल क्वालिटी है वो सेव रहती है। इन केस कोई भी बंदा इसको ऊपर कोई स्क्रैच डालने की कोशिश करता है या वैसे ही कोई स्क्रैचेस डलते हैं तो उससे आपका पेपर डैमेज होगा, आपका जो असल टैंक है उसका या साइड कवर्स है या बॉडी के जिससे रिलेटेड जिसके ऊपर आप रैप करवा रहे हैं वो डैमेज नहीं होंगे। और आपकी जो जैसा ये बाइक की जो ब्रांड न्यू की प्राइस करूँ तो इसकी बात 450 प्राइस है, 4.5 लाख रुपया, तो 4.5 लाख बाइक की जो है प्रोटेक्शन ज़रूरी बनती है। तो इसके ऊपर जो है इसके फ्रंट फेंडर, फ्यूल टैंक, साइड कवर्स, इसके बाद रियर फेंडर है, इसके ऊपर कंप्लीट कस्टमाइज रैप किया गया। अगर आपके पास भी कोई बाइक है जिसको रैप करना चाहे उस वाले से हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस बाइक के ऊपर भी टोटल मॉडिफिकेशन रैप की गई है।
हमारे पास जो ऑन डिमांडेड कोई भी आपको रैप करवाना चाहें तो उस वाले से हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं वो हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मेन मरी रोड बारिश खान स्टॉप पे विजिट कर सकते हैं और इस टाइप की मॉडिफिकेशन और कस्टमाइज रैप आप भी करवा सकते हैं। इस बाइक के एंड में वीडियो के एंड में आपको थोड़ी सी इसकी साउंड सुनवा देते हैं, वो आप साउंड सुन लीजिएगा और इस वाले से जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मेन मरी रोड बारिश खान स्टॉप पे विजिट भी कर सकते हैं। तो जी भाई ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको बाइक के बारे में जितनी भी चेंजिंग की है स्पेशली जो कस्टमाइज रैप उस वाले से बताया और बाइक की जो आपको लुक कैसी लगी, असल जो इसका कलर है वो रेड कलर स्कीम है और आफ्टर कस्टमाइजेशन रैप की इसकी कलर स्कीम जो है मैट फिनिशिंग में कीजिए की गई है। और वैसे देखा जाए तो आम हर बंदे को जजमेंट नहीं होती लेकिन यह है कि आपको जो बताया गया इसके ऊपर टोटल रैप करवाया गया और फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और एमबी ट्रेडिंग कंपनी मेन वारिस खान स्टॉप पे लोकेटेड है आप विजिट भी कर सकते हैं। और आप भी कोई बाइक को रैप करना चाहें, कोई भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या कस्टमाइज रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन या वर्कआउट करना चाहें तो आप ज़रूर एक दफ़ा हमारी वर्कशॉप विजिट कर सकते हैं। और बाइक के वाले से बता दूँ इस बाइक जो है ये हमारे पास स्लाइटली यूज़ में आया हुआ है, इसकी जो आस्किंग प्राइस है उसकी जो प्राइस 415 है 415 है 2022 इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और माइलेज जस्ट 3600 इसकी माइलेज है। तो आप इसको विजिट करके भी देख सकते हैं और बाय करना चाहें तो आप हमें आउटलेट विजिट कर सकते हैं। अगर किसी और सिटी से डिलीवरी सर्विस चाहते हैं डिलीवरी सर्विस आलो पाकिस्तान मौजूद है, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं इसको ईजिली डिलीवर भी करा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है सोशल मीडिया लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये मोटरसाइकिल और ये रैपिंग जो इसके साथ हुई है और जो छोटी मोटी चीजें लगाई गई हैं ये आपको पसंद आई होंगी। देखें खर्चा इतना नहीं होता। अब आप ये भी सोचते होंगे कि यार कंपनी खुद करके क्यों नहीं देती। कंपनी इसलिए करके नहीं देती कि वो जरूरी चीजें सही से लगा के नहीं देती, कॉस्ट कटिंग होती है तो वो उतनी चीज लगा के देते हैं जितना उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके और कम पैसों में मोटरसाइकिल निकल जाए ताकि ज्यादा मुनाफा वो कमा लें। अगर ऐसी चीजें वो करने लगे तो फिर तो वो क्या मुनाफा कमाएंगे क्योंकि हैवी हो जाएगा काम, बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो उसके बाद ये जब आप खरीद लेते हैं आपके हवाले कर देते हैं, आप जो मर्जी करो चाहे कोई भी मोटरसाइकिल लो, सारी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। सो न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी जैसे इदारे आपके पास मौजूद हैं, लेके जाएं, आप अपनी मर्जी का ड्रीम मोटरसाइकिल उनसे बनवा सकते हैं। जो नंबर्स हैं स्क्रीन पे मौजूद होंगे, पाकिस्तान में कहीं से भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।